वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बेसिकली। डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एसेट को अगर डिफाइन करें हमने कहा कंपनी के वो एसेट्स होते हैं जिनमें कैश भी इंक्लूडेड होता है और वो जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। एसेट निधि हम इनको डिफाइन करें एसेट्स विच इंक्लूड कैश एंड दोज विच आर इजीली कन्वर्टेबल इन टू कैश। फाइनेंशियल एसेट में बेसिकली तीन एसेट इंक्लूडेड होते हैं। एक इसमें कैश इंक्लूडेड होता है, दूसरा इसमें इंक्लूडेड होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और तीसरा जो इसमें एक और चीज इंक्लूडेड होती है उसका अकाउंट रिसीवेबल या जिनको डेटर्स भी कहते हैं। हमने कहा फाइनेंशियल एसेट कौन से होते हैं जिनको कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। जब कंपनी को कैश की जरूरत पड़ती है वो इनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली बैलेंस शीट पर तीनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखी हैं। जब बैलेंस शीट बनाई थी सबसे पहले जो एसेट रिकॉर्ड किया जाता है वो कैश है, क्योंकि इट्स साफ होने का कंपनी को अपने डिफरेंट एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए अपने ऑपरेशन को मीट करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती रहती है। वन बाय वन तीनों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है कैश। कैश को अगर डिफाइन करें हमने कहा कैश में क्या चीजें आती हैं। हमने कहा तो मनी जो कंपनी के अपने पास है, दूसरी मनी जो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं वो भी कैश का पार्ट होती है। इसमें चेक्स भी आ जाते हैं, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर वगैरह ये सारे क्या होते हैं। कॉइन्स में अगर आपके पास मनी है, पेपर मनी, वो सारी क्या होती है, वो कैश होता है। इसको अगर अकाउंटेंट कैसे डिफाइन करते हैं, कैश को मनी ऑन डिपॉजिट इन बैंक, यानी जो आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो वो मनी, और कोई भी आइटम मनी के अलावा कोई भी आइटम जो बैंक एक्सेप्ट कर लेता वो भी क्या है, वो भी कैश का ही पार्ट होगा, उसे भी हम कैश ही कहेंगे। जैसे चेक आ गया बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, मनी ऑर्डर आ गया, ड्राफ्ट आ गया, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमने कहा बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, दैट विल बी पार्ट ऑफ कैश, वो भी कैश का क्या होंगी, हिस्सा होंगी। एंड आइटम्स दैट बैंक विल एक्सेप्ट फॉर डिपॉजिट, तो वो सारा क्या है, वो भी हमने कहा वो भी कैश का पार्ट होता है, उसे भी कैश कहेंगे। उसमें आ गए आपके चेक्स, आ गए आपके पेपर मनी, आ गया पेपर मनी, कॉइन्स आ गए, मनी ऑर्डर आ गया, ये सारे क्या हैं, ये कैश का पार्ट होते हैं और इसको कैश में रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मली हमने किया था ना कि कैश को मेंटेन करते हैं कंपनी अपने कैश को और बैंक की टर्म आइटम्स को डील करने के लिए। पिछले लेक्चर में हम कैश को कर चुके हैं, कंपनी कैसे मेंटेन करती है इनको। अच्छा एक और टर्म यूज होती है, एक तो कैश है, दूसरी आती है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या है, हमने ये कैश नहीं होते हैं लेकिन कैश की ही तरह इसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने कहा वो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं। कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा मनी पड़ी होती है, एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं, हमने कहा कंपनी को अपने पास हमने कोई फायदा नहीं होता, वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती हैं, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हैं। तो हमने कहा वो इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है नॉर्मली कि जिसको ईजीली आप सेल भी कर सकते हो और जब चाहे आप उसको कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो उन्हें कैश इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। इनको डिफाइन करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इजीली कन्वर्टेबल इन कैश। उन्हें हम क्या कहेंगे, कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। नॉर्मली अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, ट्रेडी बिल्स, US ट्रेडी बिल हमने कहा इजीली कन्वर्टेबल इन टू कैश होते हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर इनको आप सेल भी कर देते हो और आपके पास कैश में पैसे आ जाते हैं। नॉर्मली 90 दिन के अंदर अंदर इनको सेल किए जा सकते हैं, लेकिन 90 डेज आप इन्हें सेल कर सकते हैं और कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनको। अच्छा एक हमने कहा अब कैश क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, बहुत ज़्यादा हर ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व है, तो इसकी मैनेजमेंट भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टर्म यूज करते हैं हम कैश मैनेजमेंट।
कम यूज होती है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट को डिफाइन करें, हमने कहा कैश की प्लानिंग, उसके इन्वेस्टमेंट, उसके कंट्रोलिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको क्या कहते हैं, कैश मैनेजमेंट यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग। कैश को प्लान करना यानी कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, पैसा जाया करना है कंपनी ने, ऑब्वियसली नहीं, हमने कहा कंपनी का पर्पज ही पैसा कमाना होता है। एंड अकाउंटिंग फॉर कैश ट्रांजेक्शन, हम क्या नाम देते हैं, कैश मैनेजमेंट का, यानी कंपनी के पास जो कैश है उसको प्रॉपर मैनेज करना, आपने प्लान करना कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, उनका कंट्रोल कैसे करना है, उसको रिकॉर्ड भी तो करना है। तो हमने कही सारी एक्टिविटीज इसका पार्ट होती है कैश मैनेजमेंट का। किसी भी कैश मैनेजमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सारा थ्योरी का टॉपिक है बेसिकली। अच्छा क्या टॉपिक क्या वैसे ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला क्या है कि हमने कहा अगर आपने किसी को कैश रिसीव करना है, कैश किसी को देना है, किसी से कैश लेना है, उसको प्रॉपर अकाउंटिंग करना, उसके प्रॉपर उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। कैश मैनेजमेंट का पहला हिस्सा क्या होता है, प्रोवाइड एक्यूरेट रिकॉर्ड अकाउंटिंग फॉर कैश, कि मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने कहा अगर आप कैश कंपनी कैश को प्रॉपर मैनेज नहीं करती, रिकॉर्ड नहीं रखती कितना कैश आया कितना गया, तो क्या हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, पैसे चोरी हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, उसको मिनिमाइज करना फ्रॉड को थेफ्ट को, ये भी कैश मैनेजमेंट का पार्ट होता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए हम कैश मैनेज कर देते हैं, हमारा कैश चोरी ना हो जाए। फिर हमने कहा एंटिसिपेट करना, किस चीज़ को एंटिसिपेट करना कि फ्यूचर में विद इन वन ईयर वन वीक कंपनी को कितने पैसों की ज़रूरत है, तो हमने कहा वो भी उस चीज़ का अंदाज़ा भी आप जब प्लान कर रहे हो तो पता लग जाता है ना, एक माह के बाद कंपनी को इतने पैसे चाहिए या दो माह के बाद इतने चाहिए, तो वो भी इसका पार्ट होता है, एंटिसिपेट कर रहे होते हो। फिर क्या कर रहे होते हैं, हमने कहा जब आप एंटिसिपेट कर लेते हो तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश होता है, तो जब एंटिसिपेट कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा कैश होता है, अगर इसको एक माह के लिए बाद चाहिए कंपनी को पैसे, तो वो इन्वेस्ट कर दो, बैंक में रखवा दो, रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा, किसी कंपनी में एक माह के लिए इन्वेस्ट कर दो, उनका डिविडेंड मिल सकता है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी करती है, उस कैश की इन्वेस्टमेंट करना वो भी कैश मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। अब हमने कहा ये तो पार्ट होता है कैश मैनेजमेंट का, अब जो कैश कंपनी के पास है कंपनी का, उसको भी कंट्रोल भी तो होना चाहिए, अगर कंपनी उस पर कंट्रोल नहीं करती, कंपनी ध्यान नहीं देती, हमने कहा आपका कैश चोरी हो सकता है, कंपनी के साथ फ्रॉड हो सकता है, तो हमने कहा उस कैश को प्रॉपर मैनेज करना कंपनी का, जिसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश। नहीं कैश पर प्रॉपर कंट्रोल होना कंपनी का, किसी भी अच्छे कैश मैनेजमेंट सिस्टम में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपके कैश को प्रॉपर मैनेज किया जा सके और डिफरेंट उस पर कंट्रोल किया जा सके, यानी आप थेफ्ट और फ्रॉड से बच सको। कंट्रोल करने के डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, पहली बात तो ये कि आप कैश की एक्टिविटीज को अलग से हैंडल करो, बाय सेपरेट पर्सन, कोई सेपरेट पर्सन होने का जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हैंडल कर रहा हो, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ना रख रहा हो, ना ही अकाउंटिंग स्टेटमेंट तक उसकी एक्सेस हो। फिर हमने कहा कि इसके लिए आप क्या करो, कैश बजट प्रिपेयर करो, जब बजट बनाओगे पता लग जाए कितना कैश आना है कितना जाना है, तो फिर उसके प्रॉपर मैनेज हो जाएगा, आपका कैश कंट्रोल होगा, आपके अंदर होगा। आप ज़्यादातर क्या करो, लिस्ट बना लो, कैश रिसीट और पेमेंट की भी लिस्ट बनाओ। फिर क्या करो, पेमेंट अगर करनी है तो चेक्स के थ्रू पे करो, जब चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कंपनी के पास कंपनी का रिकॉर्ड रहता है, पता लग जाता है, बैंक के थ्रू भी आपको रिकॉर्ड मिल जाता है, आपको प्रूफ मिल जाता है। फिर तमाम एक्सपेंडिचर को वेरीफाई करो, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उनको वेरीफाई करो, अपने कैश को देखो। और फिर लास्ट पे हमने कहा अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लो, ताकि अपने कैश को वेरीफाई कर सको, जो हमने पहले सीख ली है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। हमने कहा ये तो था कैश की वैल्यूएशन कैसे करनी है, फाइनेंशियल एसेट पे कैश को कैसे डील करना है, यानी आप प्रॉपर वैल्यूएशन करनी है उसकी कैश को। फिर हमने कहा कैश मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, कैश को प्रॉपर मैनेज करना है, कंट्रोल भी रखना है उस कैश के ऊपर। फिर हमने कहा अब दूसरे फाइनेंशियल एसेट की तरफ से आते हैं, वो है मार्केटेबल सिक्योरिटी।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, हमने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमने कहा विचार, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। आप किसी भी कंपनी में या स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स परचेज कर लेते हो या किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हो, बॉन्ड वगैरह खरीद लेते हो, हमने कहा वो जिनको आप इजीली विद इन 90 डेज आप कैश में कन्वर्ट कर सकते, उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैसे रिकॉर्ड करना है, हम इसमें तीन बेसिक्स की एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। हमने कहा पहली बात तो यह है मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज करना, पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी परचेज से रिलेटेड है, आप इसको परचेज कर रहे हो। जब भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज की जाती है नॉर्मली ये दूसरी ही प्रोडक्ट की परचेज की तरह कह लो, क्या जब कोई प्रोडक्ट परचेज की जाती है सेम इसका भी वही ट्रीटमेंट होता है। हमने कहा जब इसको परचेज करते हैं, कंपनी परचेज करती है, सपोज ABC कंपनी है, हमने कहा उसने कोका कोला के शेयर परचेज कर लिए, 4 रुपए का एक शेयर है, ₹4 ई शेयर प्राइस इतनी है, और उसने 4000 शेयर परचेज किए हैं। कितने शेयर परचेज किए, 4000। हमने कहा एक शेयर की प्राइस कितनी है, 4 रुपए। अब जब इसने रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में तो कैसे करेगी, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारा एसेट होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज डेबिट, क्योंकि एसेट आ रहा है इंक्रीज कर रहा है, इसके बदले क्या दिया है, कैश दिया, कैश क्रेडिट। कितना कैश दिया, हमने कहा 4000 शेयर परचेज किए हैं, 4000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 16000 की हमने कहा इसने परचेज कर ली है। यह जब आप सिक्योरिटीज परचेज करते हो तो ये अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। सेकंड चीज होती है, हमने कहा जब सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, डिविडेंड लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए, इंटरेस्ट मिल रहा होता है और समटाइम वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है मार्केट में। अब जब आपको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है तो नॉर्मली उसी एंट्री आती है डिविडेंड से रिलेटेड, या इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो सेम एंट्री होगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। सपोज हमने कहा कंपनी को इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, सॉरी 0.3 रुपीज हर शेयर पर डिविडेंड मिला है, और हमारा टोटल शेयर कितने हैं, 4000, जो टोटल मिला है डिविडेंड 1200 रुपये, कंपनी के पास क्या आ गया, कैश आ गया, किसके अगेंस्ट आया, हमने कहा डिविडेंड के अगेंस्ट, डिविडेंड इनकम होती है उसको क्रेडिट कर दिया और कैश हमारा ऐसे तो उसको डेबिट कर दिया। हमने कहा ये तब एंट्री पास करेंगे जब हमें डिविडेंड रिसीव होगा। अब कंपनी क्या करती है, सारे शेयर अपने पास या तो रख लो, कंपनी शेयर्स को आगे बेच भी सकती है, किसी दूसरे पर्सन को सेल भी कर सकती हैं। उससे रिलेटेड अगर एंट्री की बात करें, हमने कहा सपोज अगर कंपनी ने सेल कर दिया इन्वेस्टमेंट, हमारे पास कितने शेयर थे, हमने कहा 500, 4000 शेयर है, उनमें से कंपनी ने क्या किया 500 शेयर सेल कर दिए, कितने रुपीज पे सेल किए, हमने कहा 5 रुपए पे सेल किए, खरीदा 4 रुपए का था, बेचा 5 का। हमने कहा जब कंपनी सेल करेगी तो क्या एंट्री पास करेगी, क्या आएगा हमारे पास, कैश। कितना कैश आया, हमने कहा 5 रुपए का एक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने कहा 2500 का शेयर कैश आया हमारे पास। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज उतनी क्या हो गई कम, कितने की मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हुई है, हमने कहा खरीदी कितने की, 4 की, कितनी बेच रहे हैं, 500, 2000 की मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हो गई है। 500 जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, वो प्रॉफिट है, वो गेन आया है, जिसे कहते हैं गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी, वो कितना आया है, 500। अगर सेल प्रॉफिट पे सेल किया सिक्योरिटी, हमने कहा सम टाइम कंपनी का लॉस भी हो जाता है, सपोज हमने कहा जो 3 का उसने खरीदा है, अगर सपोज सेल की है ₹3 पे लॉस हो गया, 4 का खरीदा 3 का बेच रहे हैं, हमने कहा क्या आया, अभी कैश ही आया, लेकिन कितना आया, 500 शेयर बेचे हैं, हमने कहा 1500 रुपये कैश आया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हो गई, कितने की कम हुई, वो तो उतने की होंगी ना जितने की हमने खरीदी थी, 2000 की मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हो गई। अब डिफरेंस किधर आ रहा है, हमने कहा 2000 की खरीदी थी, 1500 की बेच रहे हैं, तो बाकी क्या आया, लॉस हो गया, वो डेबिट हो जाएगा, लॉस डेबिट होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी कितना, 500 रुपीज। अच्छा ये था हमने कहा मार्केटेबल सिक्योरिटीज को डील करने का तरीका, हमने गेन या प्रॉफिट का। तीसरा फाइनेंशियल एसेट जो हम डिस्कस करेंगे वो है अकाउंट रिसीवेबल, यानी अपने डेटर्स, उनको हमने रिकॉर्ड करना सीख लिया हुआ है कि जब भी सेल की एंट्री करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, हमारे डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाते हैं।
कंपनी अपनी चीजें ऑब्वियसली उधार पे तो कोई भी नहीं बेचना चाह रहा होता, सब ये चाह रहे होते हैं कि उनकी चीजें क्या हो कैश पे सेल। लेकिन हमने कहा ऐसा नहीं होता, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो उधार पे भी चीजें बेचनी पड़ती हैं, क्रेडिट पे सेल करनी पड़ती हैं। जब कंपनी क्रेडिट पे करती है सेल, नॉर्मली हमने कहा जब सेल की जाती है क्रेडिट पे, तो क्या जनरेट हो जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। नॉर्मली जब कंपनी सपोज हमने कहा 20,000 की चीज़ें बेची, ये एंट्री पास हो गई, हमने कहा सारे लोग तो पैसे नहीं दे देते ना, कंपनी को डाउट होता है कि हो सकता है कंपनी को लग रहा है इनमें से 200 रुपये हमें रिसीव ना हों, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें पैसे ना दे, क्रेडिट उधार पे चीज़ें बेची हैं ना तो एक माह बाद मिलने हैं। तो मैंने आपको बताया था इन्हें हम क्या कहते हैं, डाउटफुल डेट कहते हैं, जो हमें लग रहा है कि नहीं मिलेंगे, और जब सच में नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो बैड डेट्स हो जाएंगे। बैड डेट्स का दूसरा मैंने आपको बताया था कि अनकलेक्टेबल्स होते हैं, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, इसका नाम क्या है, बैड डेट्स, मैंने आपको बताया, हमने पहले कर लिया हुआ। अच्छा, इसके अगेंस्ट कंपनी क्या करती है, प्रोविजन क्रिएट कर लेती है, यानी जब कंपनी को लग रहा है कि 200 ऐसे लोग हैं जो, यानी 200 रुपये हमें मिलेंगे नहीं, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो नहीं देंगे, लेकिन कंपनी को लग रहा है कि नहीं मिलेंगे, ठीक है, उन लोगों के बारे में श्योर नहीं होते। अगर कंपनी को पता हो ये शख्स नहीं देगा, तो कंपनी ऑब्वियसली उनको सेल ही ना करे, हम श्योर नहीं होते कि कौन से लोग नहीं देंगे, लेकिन कंपनी को लग रहा है इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो इनके अगेंस्ट कंपनी करती है प्रोविजन क्रिएट कर लेती है, यानी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी करती है एक्सपेंस, अपना कुछ पैसे एक्साइड पर रखती जाती है ताकि अगर लॉस हो तो उसमें से पूरा कर ले। अब हमने कहा जब प्रोविजन कंपनी क्रिएट करती है या अलाउंसेस क्रिएट करती है, तो जो उसके एंट्री पास कर रहे होते हैं पहले तो क्रिएट करने की देख लेते हैं, हमने कहा क्योंकि ये एक्सपेंस होता है जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, या जिसको प्रोविजन भी हम कहते हैं डाउटफुल। सपोज अगर हमने वो 300 क्रिएट की हुई है, अब अगर लॉस हो गया 200 लोग पैसे नहीं देते, तो हमने कहा ये जो 200 है इसको चार्ज कर देंगे, क्या करेंगे इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये पहले हमारा लॉस था, इसको इसके ये लॉस इसको चार्ज कर देंगे डाउटफुल, और अपने हमारे अकाउंट रिसीवेबल उतने कम हो जाएंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे 200 से। हमने कहा ये इसको कहते हैं राइट ऑफ करना, यानी इनको बैड डेट्स के तौर पे लिख देना, बैड डेट्स अगर तो ये प्रोविजन क्रिएट नहीं की हुई तो सिंपली इसको बैड डेट्स लिखेंगे, फिर क्या एंट्री पास करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी इतने डिस्काउंट रिसीवेबल पैसे नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा हमने प्रोविजन क्रिएट की हुई थी तो ये अकाउंट रिसीवेबल प्रोविजन उनको चार्ज करती। अब क्या हो सकता है, हमने कहा कुछ अर्सा गुजरा तो जो 200 रुपये इन्होंने हमें लिखा हुआ था ना, हमें लिखा था कि हमें नहीं मिलेंगे, अब उन लोगों ने हमें पैसे दे दिए। कुछ अर्से बाद ये लोग आए, उन्होंने कहा जी देखिए तब हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा था, अब सही चल रहा है, अब हम आपको पैसे देने आ गए, उसे कहते हैं रिकवरी ऑफ डाउटफुल डेट्स, रिकवरी ऑफ अनकलेक्टेबल या रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अब ये लोग आए, उन्होंने कहा जी हम अब आप हमसे पैसे ले लो, हम पैसे देने आए, हमने कहा हम तब तो एंट्री पास कर चुके थे ना, जब ये एंट्री हमने पास की थी, अब क्या करेंगे जब इनकी रिकवरी होगी, पहले उस एंट्री को रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने का मतलब है कि डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, अभी क्या एंट्री पास की थी उसको उल्ट कर देंगे, यानी हम क्या कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट हमने की थी 200 से, जो मैंने एंट्री रिमूव की एंड वाली वो यही थी। फिर क्या आ गया, अब हमने कहा नेक्स्ट एंट्री के पास करेंगे, हमारे पास क्या आ गया है कैश, कितना आया है 200, हमारे पास कैश आ गया, और जो अकाउंट रिसीवेबल जिनको हमने पहले ख़त्म कर दिया हुआ था अब वो ख़त्म हो गया, अब हमने कहा इन्होंने हमें पैसे दे दिए हैं 200 रुपये, ये इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। हमने कहा ये होता है बैड डेट्स को या अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ करने का तरीका होता है। अच्छा, ये तो था कि अकाउंट रिसीवेबल को कैसे ट्रीट करते हैं, एंट्रीज क्या पास की जाती हैं, इसका डाटा मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी एंट्रीज का। एक और दो छोटी सी टर्म्स डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेंगे, ठीक है ना, से स्टॉक, इसमें हम डिस्कस दो चीज़ों को करेंगे, कॉमन स्टॉक
और प्रेफर्ड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, हमने कहा जब भी कोई भी नई कंपनी शुरू होती है, कंपनी क्या करती है अपने एसेट से लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो हमने कंपनीज का हमने बात की थी ना, मैंने तीन तरह के बिजनेस डिस्कस किए थे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, याद हो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, ये स्टॉक वगैरह कंपनी का होता है। हमने कहा जब कंपनीज होती हैं, कंपनी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही होती हैं, सारा पैसा खुद नहीं लेके आता, कुछ पैसा दूसरे लोगों से भी लिया जाता है, जनरल पब्लिक जिनको हम कहते हैं, हम जैसे लोगों से, कंपनी क्या करती है उस हम जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए ना शेयर्स इशू करती हैं। शेयर्स का नाम आपने सुना होगा, कंपनी क्या करती है शेयर्स इशू कर देती है। ये क्या होता है, पीस ऑफ पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, इसमें मेरा नाम लिखा होगा, मैंने कितने शेयर्स खरीदते हैं, उनकी वैल्यू क्या, ये सारी लिखी होगी। कंपनी ये मुझे दे देगी, मैं इसके अगेंस्ट कंपनी को पैसे दे दूंगा। ये जो कंपनी मैंने शेयर्स खरीदे हैं ना, कंपनी में से जो पैसे लिए हैं वो कंपनी का क्या है, उसको स्टॉक कहेंगे। हमने कहा वो स्टॉक है, कंपनी मेरे से ले रही है, ये पीस ऑफ पेपर मुझे दे दिए, पैसे ले लिए। हमने कहा ये शेयर्स वगैरह सारे क्या हैं, कंपनी के स्टॉक हैं, कैपिटल है, कैपिटल स्टॉक जिसको हम कहते हैं, सॉरी कैपिटल स्टॉक। अब ये शेयर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्टॉक डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ शेयर मुझे राइट दे रहे होंगे कि मैं क्योंकि जब आप कंपनी में जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के ओनर बन जाते हो, और कंपनी की क्योंकि प्रोसेस डिफरेंट होता है, मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, ऑनर्स डिफरेंट होते हैं, मैनेजमेंट काम कर रही होती है, ऑनर का सिर्फ पर्पज ये होता है कि उनके पास उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, उन्होंने कंपनी में पैसे लगाए होते हैं। अच्छा जी, अब स्टॉक जो है, कैपिटल स्टॉक डिफरेंट तरह का हो सकता है। हमने कहा कंपनी जब स्टॉक प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन की हमने बात की थी, कंपनी का रजिस्टर, उनका रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी को रजिस्टर होना पड़ता है। एक लॉ है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1930-1984, इसके तहत कंपनीज को रजिस्टर होना पड़ता है। जब कंपनी रजिस्टर होती है तो अपना कैपिटल बताती है कि हमारा कैपिटल इतना है, इतने कैपिटल से हम रजिस्टर्ड होंगे, उसे ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं, जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जिस कैपिटल के साथ, उसे ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कंपनी ये जितना मर्जी कंपनी कह लें, अब इसको इकट्ठा करने के लिए हम यह करते हैं, कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया, ऐड दिया न्यूज़पेपर में, बताया कि हम शेयर बेच रहे हैं, जो लोग शेयर लेने में इंटरेस्टेड है वो हमें अपनी एप्लीकेशन भेजें। लोग तो खास से बेचते हैं, बैंक में जमा कराते हैं, फिर लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, पैसे भी साथ जमा कराते हैं, फिर जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनको शेयर्स मिल जाते हैं, यानी वो स्टॉक का पार्ट बन जाते हैं, कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। अब कंपनी के शेयर या स्टॉक दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं कॉमन स्टॉक, ये ऑथराइज, और अच्छा जो कंपनी जिनको मिल जाते हैं वो पेड अप कैपिटल। कंपनी का डिफरेंट तरह का होता है, एक होता है ऑथराइज जिनके साथ कंपनी रजिस्टर होती है, मैंने आपको बताया, दूसरा होता है सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। हमने कहा जो लोग कंपनी का कंपनी जिनको शेयर दे देती है और जो कंपनी को पैसे पे कर देते हैं उस जो कैपिटल उसके थ्रू इकट्ठा हो जाता है, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कहते हैं। अच्छा, वो सेपरेट पार्ट है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक को। स्टॉक्स के हमने कहा जो शेयर होते हैं कंपनी के, कॉमन स्टॉक के जो ओनर होते हैं जिनके पास कॉमन शेयर्स होते हैं, इनके क्या राइट होते हैं, क्या चीज़ें इनको अवेलेबल होती हैं। हमने कहा इनको डिविडेंड मिलता है, जब कंपनी साल के एंड पे प्रॉफिट होता है तो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिनके पास शेयर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे डिविडेंड का नाम लेते हैं। इनके पास वोटिंग राइट होता है, कंपनी की कोई मीटिंग होगी, शेयर्स को सिलेक्ट करना है या कोई और काम करना है, तो हमने कहा इनके पास ये उसमें वोट कर सकते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है, या मैनेजमेंट में चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चाहे तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सबसे अहम बात, हमने कहा इनको जो डिविडेंड मिलेगा ना वो सबसेंट पे मिलेगा। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर कौन होते हैं, हमने कहा जिनके पास ये शेयर्स होते हैं इनको प्रेफरेंस होती है, नाम से जाहिर है इनको क्या होती है, प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस की स्कीम में कि सबसे पहले अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो इन्हें प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट अगर हुआ है तो सबसे पहले जो प्रॉफिट होगा वो इन्हें दिया जाएगा, इनको देने के बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो इनको दिया जाएगा वरना नहीं दिया जाएगा, इनको प्रेफरेंस होती है। फिर हमने कहा इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, ये कंपनी की मीटिंग में वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा भी इनके डिफरेंस, इनको सबसे पहले जब हमने कहा अगर कंपनी कभी बंद हो, लिक्विडेट हो, तो फिर भी सबसे पहले इनको दिया जाएगा, इनका हिस्सा इनको दिया जाएगा क्रेडिटर को देने के बाद। सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे करते हैं, फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं, इनको सबसे एंड पर मिलता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने कहा डिफरेंस इनको प्रेफरेंस होती है, इनको नहीं होती है।
थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखना है। मैं इसकी थीरी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ये थीरी है बेसिकली आपको डिफरेंस समझाना था कि स्टॉक्स जो कंपनी शेयर इशू करती हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आप ग्रुप में मैं इसको थीरी सेंड कर दूंगी, आप सिंपल उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, हमारा सिलेबस खत्म हो गया, कवर हो गया। अगर कोई भी इशू हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आउटलाइन में कोई टॉपिक से रिलेटेड, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।